दोस्तों आखिरकार मैंने पहुंच ही गया है सक्रामंट। चलिए घर के लिए कुछ लेंगे, डिस्काउंट मिल जाएगी सर। चेहरा छुपा कर लो। हेलो हमारे भाई और बहन लोग, तो कैसन बा? ठीक बा ना? तो आज हम फिर से आ गए एक नए ब्लॉग लेकर, जिसमें दिखाएंगे आप लोगों को कि नेपाल का सक्रामंट, जो कि हमारे घर से लमसम 60 किलोमीटर पड़ता है। तो चलिए आज का सारा व्यू वहीं का दिखाएंगे आप लोगों को, ब्लॉग में बने रहना क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे दृश्य दिखाएंगे। तो चलिए मिलते हैं आगे ब्लॉग में। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मंदिर का बाहरी नज़ारा, जहाँ पे आप लोग पूजा के लिए सामान सब खरीद सकते हैं, फूल अगरबत्ती बहुत सारे चीज़, जो कि आप लोग देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से चारों कतल दुकान ही दुकान है फूलों का। तो चलिए अंदर जाते हैं, अंदर जाकर आप लोगों को दिखाते हैं। ओए, सब ठीक ठाक? और ये देख सकते हैं मिनी मेला, बहुत छोटा मेला, यहाँ से आप अपने घर के लिए सामान सब खरीद सकते हैं। और ये रहा मंदिर का गेट, एंट्री कर लिए हम लोग। और सबसे पहले दिखाएंगे हम आप लोगों का हनुमान जी, और उसके बगल में भी है मंदिर ही मंदिर यहाँ पे है दोस्तों। और ये रहा एक और हनुमान जी, और उसके अंदर में है भोलेनाथ। और ये रहा घंटा। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है? और ये है लक्ष्मी नारायण मंदिर, जो कि देख सकते हैं आप। यह है दोस्तों पंचमुखी नाग बाबा मंदिर, चलिए दिखाते हैं आपको अंदर जाकर। और ये देख सकते हैं नाम इतने विशाल रूप में, चारों साइड दिखाते हैं आप लोगों को। हमने एक कतिया गाथ है जाती, ये कतिया गाथ है अभी तो रहे है। देखा है पेपर नहीं देखा है? जे बांधने इतना सब मन्नत रह जाएगी। हाँ तो क्या है दोस्तों आप लोग? अच्छा तो दोस्तों आप लोग सुन ही लिए कुजगड़ी माता से, यहाँ किस लिए बनाया गया है यह मंदिर, क्या खासियत है यहाँ का। और ये देख सकते हैं ये जो बांधा हुआ है वही मन्नत होता है, जिसका मन्नत पूरा हो जाता है वो फिर से यहाँ पे आकर कुछ ना कुछ चढ़ा कर देता है। तो यहाँ से दर्शन कर लिए, आप चलते हैं आपको मेन मंदिर दिखाते हैं, तो आप लोग ब्लॉग में बने रहो। और ये देख सकते हैं मंदिर, मंदिर का बाहरी नज़ारा। और यहाँ पे बता दूँ दोस्तों कि यहाँ पे छागर सब चढ़ाया जाता है, जिसका मन्नत, जिसको हम लोग कोबला बोलते हैं, यहाँ पे आकर चढ़ाया जाता है। ये देख सकते हैं मंदिर का बाहरी नज़ारा, और चलिए अंदर जाकर दिखाते हैं आप लोगों को। तेरा ध्यान किधर है, ये तेरा हीरो इधर है। तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग कितनी अच्छी मंदिर है, कितनी अच्छी तरीके से बनाया गया है, और साइड में डीजे का भी व्यवस्था रखा गया है। करेंगे दारू पान। और ये देख सकते हैं दोस्तों मंदिर कितना बड़ा। और ये देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में भीड़ लगा हुआ है, लाइन बाय लाइन से दर्शन कर रहे भक्तोजन। तो देख सकते हैं दोस्तों कितनी अच्छी तरीके से चारों कतल डिजाइन किया गया है, काफी खतरनाक लग रहा है देखने में। और ये सबसे खास बात है कि यहाँ चारों कतल एसी लगाया गया है, क्योंकि गर्मी के सीजन में बहुत गर्मी लगता रहता है भक्तोजन को, तो उसको ठंडा करने के लिए यहाँ पर व्यवस्था किया गया है। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहो और दिखाते हैं आप लोगों को। देख सकते हैं दोस्तों यही है मेन मंदिर सखरा माता, जो
जो आप लोग देख रहे हैं। फोटो लेना मना है यहाँ पे, बट फिर भी आप लोगों के लिए हम इतना कष्ट कर लिए। ये दोस्तों देख सकते हैं दान पेटी, यहाँ पे आप कुछ दान कर सकते हैं। आपके पास ज्यादा पैसा हो गया है तो यहाँ पे दान कर सकते हैं दान पेटी में। मैं गरीब हूँ। यहाँ पे साइड में है कैमरा वाला भैया, मगर उससे हम फोटो नहीं खींच पाएंगे क्योंकि मेरा मोबाइल ही काफी है, DSLR से अच्छा फोटो खींचता है मेरा मोबाइल। गजब टू भी आ जा। चलिए दिखाते हैं और इनार सब, क्योंकि यहाँ पे आए हैं तो सारा व्यू तो दिखाएंगे ही आप लोग। बात तो सही है। देख सकते हैं दोस्तों ये है इनार, क्या बोला तूने, कुआ जिसको बोला जाता है। कीपर नर आते गई आते घर। हाँ हाँ, आदित्य कुमार 6 क्लास में पढ़ते हैं। यहाँ से देख सकते हैं आप लोग मंदिर का बाहरी नजारा, जो कि यहाँ से भी एक गेट है जो आप लोग देख रहे हैं, ये भी एक गेट है और उधर से भी एक गेट बनाया गया है। देख सकते हैं काली माता, महाकाली हूँ मैं। देख सकते हैं दोस्तों जिसका मन्नत है वो छागर लेके आ रहा है चढ़ाने के लिए। और यह जो मंदिर देख रहे हैं आप लोग वह विवाह मंडप है। तुझको जी भर के मैं देखूं, मुझे हक है। बड़े बड़े अक्षर में लिख दिया गया है यहाँ पे शादी सब किया जाता है। चलिए दिखाते हैं अंदर में जाकर। अरे बहन जी इसमें क्या, प्रभु हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? तुम्हारा शादी होगा रे कलवा, क्या देख रहा है? आरती करने के लिए देख सकते हैं कितना कुछ है। ए कलुआ तुम लोग का शादी होगा का? तो दोस्तों चलिए घर के लिए कुछ लेंगे। तोता कहाँ देखिए बारू, देखा तो मैं तो डर गई। डिस्काउंट मिल देगी सर, गजब बेइज्जती है। लाइन मार रहे हो ऐसे, वो कलर नहीं जाए ना। एक कलर चल गया तुझे, कोनो बनिया वाला दिखाओ ना। दो दिल मिल रहे हैं, इधर भी दिखे भारू मेरे हाथ में तेरा। तो दोस्तों आपने देखा क्या सब खरीदे, इतना में कब लगा के कब तक रास्ता देखूं सजना। देख सकते हैं ये मेरा बेटी, बेटी है नहीं। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कितना हरा भरा जगह लग रहा है, आप लोग सोच ही सकते हैं। दोस्तों दिखाते हैं आपको यहाँ का कुछ नजारा, आप लोग देख सकते हैं। हाय रील वाली यारन हर दिन लगाई, अपने लवर को धोखा दो अब मुझे भी डार्लिंग। तो कैसा लगा आज का ब्लॉग वो आप लोग कमेंट में बताना, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना।
तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।